तो टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इसकी शॉर्ट फॉर्म है KTG। काफ़ी बुक्स लिखती हैं KTG, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या KTG के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूल्स की मोशन, रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाता है वॉल्स के ऊपर, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है जब वो रैंडम मोशन में होगा, ये सब कुछ कैलकुलेट होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलवेज इन मोशन, पता है? दीज मॉलिक्यूल सफर चेंज इन वेलोसिटीज ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। तो वेलोसिटीज हर वक्त चेंज भी होती है। तो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ अजम्पशंस हैं, वो पहले क्लियर कर देना चाहता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आती नहीं है, पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। पहली अजम्पशन, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, सबको पता है, एंड मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स मानने आपने, एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। वो कह रहे हैं एक गैस के मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे और डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। नंबर टू, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है पर मॉलिक्यूल का साइज छोटा ही रहता है। मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। किसी की ज्यादा भी होती है वेलोसिटी और किसी की कम भी होती है वेलोसिटीज, और कहीं भी मूव कर सकते हैं। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, जब दो मॉलिक्यूल्स की टक्कर होगी तो एनर्जी का लॉस नहीं मानेंगे, इलास्टिक इन नेचर रहेगी। इसकी अजम्पशंस हैं। और अब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस।